हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम वीकेंड पे घूमने आए थे। आप पहले व्यू देखो, ये हम पहाड़ों में घूमने आए थे, ऋषिकेश से भी ऊपर है ये जगह। तो ये देखो, और हम आए कौन सी गाड़ी में, ये देखो हम आए अपनी रिट्स में, और वो भी सीएनजी पे। तो जो बहुत लोग कहते हैं ना कि सीएनजी पहाड़ों में कामयाब नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने अपनी गाड़ी को रेस्ट दे रखा, हुड ऐसे ही ठंडे होने के लिए खोल रखा है कि इंजन थोड़ा रेस्ट कर ले। काफ़ी हम चला रहे थे तो ऐसे ही छोड़ा हुआ है, वो कोई इशू नहीं है गाड़ी में। बट यार, मतलब यहाँ पे लोग ना सफारी से आते हैं, जो थोड़ी ऊंची गाड़ी होती है। बट यार, मैं रिट से आया हूँ, मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ। पर यार, व्यू तो आया ना, अभी आगे जाके एक मंदिर है, मैं मंदिर जाएंगे, वहाँ पे व्यू दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखो यार, ये यहाँ पे झील है। अब इसमें हम सोच रहे हैं कि नहा लें, थोड़ा गाड़ी भी धो लेंगे। तो ये है यार, बड़ा सेक्सी व्यू है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी कॉस्ट वगैरह, ये सब बताऊंगा, और कैसे कैसे हम आए यहाँ तक, आप भी आ सकते हैं, बहुत सब कुछ बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना मेरे चैनल का। ऐसे एडवेंचर्स में इसी गाड़ी से आपको दिखाता रहूँगा, अपनी एक हैचबैक से ही, कि आप इतनी दूर सेफली कैसे जा सकते हैं, मतलब गाड़ी में कोई इशू भी ना आए, और छोटी छोटी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है, मैं वो ज़रूर कैप्चर करूँगा। इसको ले जाने की हर जगह कोशिश करूँगा, मैं से जहाँ तक हो सकता है, कि लद्दाख भी हो गया, हर जगह ले जाऊँगा यार इसे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको अपडेट दिखाता रहूँ, और जो भी होएगा शेयर करता रहूँ। यार देखो, हम अभी घूमने आए थे, अभी आपको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया अभी, बट यहाँ पे वेदर चेंज हो चुका है, बारिश आ गई है। तो यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर हो चुका है। तो गर्मी भी लग रही थी, अब तो गर्मी भी नहीं लग रही बारिश की वजह से। तो यार देखो, अभी हम अपनी कार में है, रिट्स में जो हैचबैक है, तो कोई इतना वो इशू नहीं आ रहा है, कि ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम इस कार से। तो आप देख रहे होंगे सारी गाड़ी एसयूवी ही आ रही है, कोई हैचबैक नहीं है। तो बट यार, इतना भी कोई इशू नहीं आया हमें, कि हमारी हैचबैक है तो ड्राइविंग में कोई इशू आ रहा है। सही मज़ा भी आ रहा है, और अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो आप वेदर देखो, इससे भी दिखा देता हूँ अभी मैं आपको। यार देखो, गाड़ियाँ कितनी मस्त लग रही है ना, मतलब बारिश में तो और ज़्यादा मस्त लगती है। बट यही है कि अब यार वापस जा रहे हैं हम, क्योंकि ना बारिश की वजह से ना, जो नदी है, जो क्रॉसिंग से कहीं कहीं नदी में से निकालना पड़ता है, तो वो बारिश की वजह से फ्लो बढ़ जाएगा। तो हमारी कार का बस एक यही इशू आएगा, कि जितना ज़्यादा पानी ऊपर आएगा ना झील में, तो क्रॉसिंग के टाइम हमें इशू आएगा ऐसा भी। तो फिर चांसेस रहेंगे कि थोड़ा सा हमें इशू आ सकेगा, तो इसलिए हम थोड़ा टाइम निकल रहे हैं। तो क्या कहते हैं ना, वैसे भी बारिश से मेरा बाहर गया था, मैं फ़ोन का कैमरा बीक गया था थोड़ा सा, तो क्लियरिटी नहीं आ पाई थी। तो मैं आपको वापस से दिखा रहा हूँ कि नेचर लग कैसा रहा एक्चुअली में। थोड़ा भी मैंने क्लियर किया, देखा मैंने कैमरे को, वीडियो क्लियर नहीं बन पाई थी वो। बट स्टिल यार देखो, मेरे को ना काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप भी प्लीज़ ट्राई करना। हम सोचते हैं कि गाड़ी छोटी है, क्या करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, एक बार ट्राई करना, क्या आ गया दर्द दादा, इशू आ जाएगा फिर क्या कहते हैं, हिम्मत तो लानी पड़ेगी ना, ट्राई करने से कुछ नहीं आता। अब देखो, जैसे झील की वजह से मैं बता रहा था, अभी ये आ गया, जितना ज़्यादा पानी तेज़ होएगा ना, फिर यहाँ से कार निकालने में इशू आएगा। तो ऐसी जगह पर डरना नहीं है, बस प्यार से कार को निकालना है। देखो, प्यार से हमारी कार निकल चुकी है, ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा होता है, बस अपनी स्टेपनी जरूर चेक करके लाना है। यहाँ पे पंचर वगैरह हो सकता है, दूर दूर तक मैकेनिक का सोचना भी पड़ता है। गाइस, इतने आप कुछ शॉर्ट्स इन्जॉय कीजिए हमारे ट्रिप के, और कॉस्टिंग वगैरह का मैं सब आपको लास्ट में बताऊँगा।